प्लांट किंगडम में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बहुत तरीके के क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एंगलर एंड प्राउड ने दिया था। इसमें इन्होंने प्लांट्स को दो में डिवाइड किया, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी और डिफरेंशिएटेड बॉडी, यानी कि जिनमें रूट्स शूट्स वगैरह डिफरेंशिएट हो पाए, जिनमें ना हो पाए उनको इन्होंने बोला थैलोफाइटा। इसी के अंदर हम एल्गे पढ़ते हैं। डिफरेंशिएटेड बॉडी में इन्होंने बोला उसमें दो तरीके के हो जाएंगे, एक जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स हैं और जिनके पास नहीं है। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं साइलम और फ्लोएम। अब जिनके पास नहीं है उनको बोल दिया ब्रायोफाइटा। अब जिनके पास है उनको भी दो में डिवाइड किया, एक जिनके पास सीड्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो नहीं करते उनको टेरिडोफाइटा बोला। जो करते हैं उसमें भी दो तरीके के आए, जिनके सीड नेक्ड हो और जिनके सीड पे कवर हो। ठीक है, तो जिनमें कवर ना हो जो नेकेड है उन्हें जिम्नोस्पर्मा में डाला और जो कवर्ड है उन्हें एंजियोस्पर्मा में। अब एंजियोस्पर्मा में भी नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स के बेसिस पे दो में डिवाइड किया, मोनोकॉट और डायकॉट, जिसमें एक कॉटिलिडन हो ये, जिसमें दो हो वो ये। अब हम आते हैं दूसरे तरीके के क्लासिफिकेशन पे जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कार्ल लिनियस ने दिया था, इसको हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस था, जैसे कि जो एंड्रोशियम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि एंड्रोशियम में जो स्टेमिन है उसका लेंथ कितना है, साइज कितना है, उस पे बेस्ड था ये। और फिर हम आते हैं तीसरा जो सिस्टम है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये बेस्ड था इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जैसे कि सेल, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री उसकी और उसके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कैसे हैं, इसके बेस पे उसने प्लांट्स को रिफर किया था। अब मैं बताती हूँ कि जब हमें किसी प्लांट के फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, हमें उस प्लांट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व हो रहे होंगे, जो भी हमें दिख रहा होगा, हम उन सबको कोई नंबर और कोड असाइन कर देंगे, फिर उन कोड्स को हम फीड कर देंगे कंप्यूटर में और प्रोसेस करेंगे। इसमें हमें क्या होता है ना कि इससे हमें फायदा होता है, हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक टाइम पे कंसिडर कर सकते हैं और इसमें क्या होता है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज मिलती है। ठीक है, कोई बायसनेस नहीं होती। फिर एक और चीज होती है साइटोटैक्सोनॉमी, यानी कि ये बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी कि जैसे क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, इसके बेसिस पे। और एक और है कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, जो जिस केमिकल से वो प्लांट बना होता है उसके बेसिस पे प्लांट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तीन तरीके की टैक्सोनॉमी है जिससे हम प्लांट्स को डिफर कर सकते हैं जब हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स ना मिले। किंगडम प्लांट के तुम्हें जनरल फीचर्स तो पता होंगे, जैसे यूकैरियोटिक होता है, जनरली मल्टी सेलुलर होता है, क्लोरोफिल होता है उसमें और सेलुलोज की वॉल होती है और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी खुद से खुद का खाना बनाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं थैलोफाइटा यानी एल्गे के बारे में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी होती है सिंपल थैलस लाइक बॉडी, यानी कि बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कि रूट शूट लीफ। ठीक है, सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है और इसका हैबिटेट जनरली एक्वाटिक होता है, लेकिन तुम्हें ये मॉइस्ट सॉइल में, पत्थरों पे ऐसे भी दिख सकता है। एल्गी एसोसिएशन भी बनाता है, जैसे फंगी के साथ बनाया तो लिचिन बोलते हैं या लाइकिन, जो भी आप प्रोनाउंस करो, और ये एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन बनाता है, जैसे स्लॉथ बियर को कभी आप देखोगे तो उसके फर पे लगा होता है। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होता है, नहीं खुद से खुद का खाना बनाता है। अब ये चार तरीके के हो सकता है, यूनिसेलुलर से लेकर मरीन बड़े बड़े फॉर्म्स तक, यानी कि एक छोटा सा यूनिसेलुलर जैसे क्लमाइडोमोनस, फिलामेंटस जैसे यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा, कोलोनियल जैसे वॉल्वॉक्स और मरीन यानी कि लार्ज होते हैं, केल्स बोलते हैं इनको, ये 100-100 मीटर तक बड़े भी होते हैं, यानी कि बहुत छोटे से बहुत बड़े तक लेकर इनका रेंज है। इन सबका डायग्राम आपको शो कर रही होंगी मैं। तो ये होते हैं हमारे सारे फॉर्म्स एल्गे के। अब बात करते हैं थैलोफाइटा यानी एल्गे के रिप्रोडक्शन की, तो वो सेक्सुअली भी करता है, एसेक्सुअली भी करता है और तो और वेजिटेटिवली भी करता है। वेजिटेटिवली वो करता है फ्रेगमेंटेशन से, जिसका एक एग्जांपल है स्पायरोगायरा। सेक्सुअली वो करता है गैमिट्स के फ्यूजन से, जो तीन तरीके की हो सकती है, आइसोगैमी, ओगैमी एंड आइसोगैमी। आइसोगैमी जिसमें दोनों गैमिट्स का साइज जो है वो सिमिलर होगा, चाहे दोनों मोटाइल हो, चाहे दोनों नॉन मोटाइल हो, चाहे एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल, कैसा भी, लेकिन साइज सिमिलर होगा।
ओगैमी में क्या होता है कि एक बड़ा होता है जो नॉन मोटाइल होता है और वो जनरली फीमेल होती है, जो दूसरा होता है वो छोटा होता है वो मोटाइल होता है और वो जनरली मेल होता है, तीसरा है तुम्हारा एनाइसोगैमी, इसमें जो गैमेट्स हैं उनका साइज डिसिमिलर होता है, बस ठीक है। तीसरा तरीका है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल ये करता है स्पोर्स से, स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो जनरली मोटाइल होते हैं यानी कि फ्लैजिलेटेड होते हैं और उन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एल्गे के कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जैसे कि ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है एनवायरनमेंट में, कैसे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा के। दूसरी बात, बहुत सारी स्पीशीज एल्गे की जो है वो फूड की तरह यूज होती है, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है सरगैसम, लेमिनेरिया और पोरोफायरा। लेमिनेरिया एक केल्प का एग्जाम्पल है और उससे हम आयोडीन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गे जैसे कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये जो ट्रेवलर्स होते हैं स्पेस ट्रेवलर्स, वो इसको एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज करते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारे एल्गे हैं, कुछ मरीन ब्राउन और जो मरीन रेड एल्गे होते हैं वो ना कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। जो ब्राउन एल्गे करता है उसे एल्जिन बोलते हैं, जो रेड एल्गे बनाता है उसे कैरेग्रीन बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट बात ये आ जाती है कि अगर जो है वो यूज होता है माइक्रोब्स ग्रो करने में, और गैलिडियम और ग्रैसिलेरिया जैसे जो एल्गे होते हैं इनसे हम आइसक्रीम्स और जेलीज बनाते हैं। तीन तरीके के एल्गे होते हैं, रेड, ब्राउन और ग्रीन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन एल्गे यानी क्लोरोफाइसे के बारे में, ठीक है। इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट इसमें अलग अलग शेप के हो सकते हैं, डिस्कॉइड, रेटिकुलेट, प्लेट लाइक या कप शेप। फिर इसमें एक चीज आती है पायरेनॉइड्स, जो स्टोरेज बॉडीज होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, और ये प्रोटीन स्टोर करती हैं स्टार्च के साथ साथ। प्लस क्लोरोफाइसे की जो सेल वॉल होती है वो दो लेयर की होती है, बाहर वाली पेक्टिन की बनी होती है और अंदर वाली सेलुलोज की, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो उसी तरीके से करता है जो हमने सारे भी पढ़े, वेजिटेटिवली, फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअली ये करता है तुम्हारा स्पोर्स बना के, जू स्पोर्स जो बनाता है फ्लैजिलेटेड। और सेक्सुअली ये करता है वही तुम्हारा जो तीनों टाइप के थे, एनाइसो, आइसो, ओगैमी, ये तीन, ये सब तरीके का रिप्रोडक्शन शो करता है। दूसरा हमारे पास आता है फेओफाइसे यानी कि ब्राउन एल्गे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि जो इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें एक जिलेटिनस कवरिंग होती है एल्जिन। हमने इसके बारे में पहले भी मेंशन किया था कि ब्राउन एल्गे तुम्हारा एल्जिन प्रोड्यूस करता है। अब इसका जो साइज है वो सिंपल ब्रांच्ड एक्टोकार्पस से लेकर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कैल्स, जो बड़े बड़े 100 मीटर के में हमने पढ़े थे, वहां तक वेरी करता है। इसका कलर भी ऑलिव ग्रीन से लेकर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन तक जाता है। अब इसमें तीन पार्ट्स आते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए होल्ड फास्ट आता है, और स्टॉक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइप बोलते हैं, लीफ जैसा फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये हो गया हमारा फेओफाइसे के बारे में। लास्टली हम बात कर लेते हैं रोडोफाइसे यानी रेड एल्गे के बारे में। तो इसका जो थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि तुम ये कह सकते हो कि क्लोरोफाइसे और फेओफाइसे से रोडोफाइसे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो अभी तक हम देख रहे थे कि सेक्सुअली तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती थी एल्गे, ठीक है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, लेकिन रोडोफाइसे सिर्फ ओगैमी शो करती है। एसेक्सुअली भी हम अभी तक पढ़ रहे थे कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स जिसे हम बोलते हैं, लेकिन रोडोफाइसे जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एनसीईआरटी की एक टेबल, जिसमें हमें तीनों एल्गे के बारे में बता रखा है कि उनमें मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, फूड उसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, फ्लैजिला है कि नहीं है, हैं तो कितने हैं और कैसी पोजीशंस पे हैं, हैबिटेट क्या है, और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी पूरी एज इट इज़।